आप मेरे पीछे आप ये आवाज सुन रहे होंगे, ये नारेबाजी आप सुन रहे होंगे। सिर्फ ये नारेबाजी नहीं है बल्कि यहाँ के छात्रों का आक्रोश है जो कह रहे हैं वी वांट जस्टिस। हमारे साथ कई छात्र यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या डिमांड है इस वक्त आपकी, किसकी तरफ आप देख रहे हैं उम्मीद भरे? सर, हमारी सबसे पहले तीन डिमांडें हैं। सबसे पहले तो जो भी कंसर्न मिनिस्टर है यहाँ के, उन सबसे पहले अपना इस्तीफा दें मौलिक अधिकार मौलिक रूप। डिमांड है सर कि जो भी एमसीडी के अधिकारी इसमें पाए जा रहे हैं दोषी, सबसे पहले उन पर कानूनी कार्रवाई हो। और तीसरा, मतलब अत्यंत जरूरी है कि अभी जितने भी जिनका भी देहांत हुआ है उनको जो है आपका कंपनसेशन मिलना चाहिए सर। अभी के अभी वो तो हो, बाकी जो भी हो एक्शन, जो भी कार्रवाई हो वो उसका रिपोर्ट हम बाद में देखेंगे, बट ये तो इनिशियल एक्शन इतना होना ही चाहिए एटलीस्ट अभी। अच्छा, ये बताइए कि इस पूरे इलाके में एक नहीं अनगिनत कोचिंग होंगे, गिनते गिनते हम थक जाएंगे, क्या लगभग सभी में यही आलम है कि बेसमेंट में परमिशन आपको गोदाम के लिए मिली है लेकिन वहां पर लाइब्रेरी कोचिंग में 90% है? वारन में जो कोचिंग है सर, सब में ना लाइब्रेरी में चल रहा है सर। एनसीटी के अधिकारी आंख में पट्टी बांध के रहते हैं, आते नहीं, सब करप्शन है सर, पूरा सिस्टम फैल है सर। पैसा हर कोचिंग से पैसा पहुंचता है बराबर एनसीडी में नहीं, यहाँ कोई लाइब्रेरी भी चलती है, कोचिंग के क्लासेस तक चलते हैं सर, जिसमें 600-700 बच्चे के स्ट्रेंथ होते हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस कोचिंग के बारे में एक महीने पहले भी शिकायत की गई। हाँ सर, वो किया गया था, वो मतलब आया था सर। देखो, ये राव है इसका मैटर नहीं है सर, जितने भी यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सारे कोई बेसमेंट में क्लास चला ही रहे हैं जी। और इसके कारण ये दिक्कत हो रहा है। और रहा बात की सर, ये आप ऐसा देखोगे कि एरिया डाउन एरिया में पड़ता है और यहाँ पे आधे घंटे की बारिश में भी जो है सर घुटने भर पानी हो जाता है। तो आज तक ये रहा है लेकिन फिर भी जो है आज तक जो है ना एमसीडी पे कोई एक्शन लिया है। अभी देखो, कोई आम आदमी पार्टी वाले आएंगे और कोई जून को ना एक अनुज कुमार कुशवाहा नाम का लड़का स्टूडेंट था, उसने ना एमसीडी को कंप्लेन किया था सर कि यहाँ पर ना सर कमर तक पानी जम जाता है बिल्कुल 26 तारीख को सर, यहाँ कमर तक एमसीडी को कंप्लेन किया था सर, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया सर। एमसीडी को टीम आई थी देखने के लिए? कोई नहीं आया सर। कुछ वाटर लॉगिंग तो यहाँ पर दिल्ली में आम बात है लेकिन यहाँ पर वाटर एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था है? नहीं सर, अभी कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो अब कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली में तो बारिश इसके पहले भी हुई थी तो उस बारिश में पानी अंदर क्यों नहीं गया? ड्रेनेज सिस्टम काम ही नहीं करता है इनका, कुछ नहीं काम करता है। 2 मिनट बारिश होती है, 2 मिनट की बारिश में ये हाल हुआ। अगर 4 घंटे बारिश हो गई तो फिर क्या होगा? और जब भी सर अभी फिर क्या होगा इस एरिया का? 2 से 10 मिनट की बारिश में अगर ये तो सोचिए कि 4 से 5 घंटे और खुदा ना खास्ता किसी दिन 10 से 12 घंटे अगर बारिश हो जाए तो इस पूरे इलाके की तस्वीर क्या होगी, मंजर क्या होगा, बयां करना मुश्किल है। सर यही इलाका नहीं है, ज्यादातर यूपीएससी स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे महंगा काफी हो रखा है। ओआरएन में तो जहाँ भी एक मौत हुई थी करंट से कुछ पटेल नगर में, पटेल नगर में वहाँ ये हाल है। मैं पटेल नगर में रहने वाला हूँ, अभी प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। वहाँ ये हाल है कि सुबह परसों जो बारिश हुई, 4 दिन पहले जो सुबह बारिश हुई उसमें मैं निकला था सुबह, मैं सुबह निकला था, इतना पानी था, मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, मेरे कमर तक पानी था, उसमें कैसे कोई सर्वाइव करेगा? अब ये बताइए कि इस घटना के बाद, ये तो अलार्मिंग सिचुएशन भी है और इस घटना के बाद लोग तो डर गए होंगे, खासतौर पर स्टूडेंट, कौन यहाँ पर रहना चाहेगा, कौन यहाँ पढ़ना चाहेगा? कोई भी नहीं रहना चाहता है सर, कौन खाली हो गया, खाली हो गया। हमारे राजेंद्र नगर है, राजेंद्र नगर की जो इकोनॉमी है पूरा स्टूडेंट चला रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए अथॉरिटीज को और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जबकि यहाँ के मोनोपोली हो रखी है। यहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी का नहीं है, अभी पुलिस हम लोग जब मेट्रो से उतर करके आ रहे हैं, यहाँ से हटो, ये चीज कह रहे हैं, हम लोग को हटा रहे, भगा रहे हैं। मुद्दा सिर्फ लाइब्रेरी का नहीं है सर, पटेल नगर में और साउथ पटेल नगर, रंजीत नगर, बलजीत नगर में ये स्थिति है, बिना किसी पिलर का, सिर्फ दीवार पे बिल्डिंग पे बिल्डिंग, फोर्थ फ्लोर। आप लोग इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? सर एडमिनिस्ट्रेशन, सर सर एडमिनिस्ट्रेशन और कौन है? एमसीडी इज द मेन रिस्पॉन्सिबल सर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नवीन शर्मा इस पर जुड़ चुके हैं। नवीन शर्मा जी, आपने सुना, ये स्टूडेंट्स की आवाज है, बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है, ये कह रहे हैं इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। वो कहते हैं कि सीधे पैसा पहुंचता है इसलिए कोई यहाँ पर झांकने तक नहीं आता, सबको यहाँ परमिशन मिल जाता है। ये बताइए कि एमसीडी के किसी अधिकारी ने जहमत उठाई कि जो इतने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उसके बेसमेंट में किस चीज के लिए परमिशन है और क्या चल रहा है, कभी कोई झांकने आया सर? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार, और मैं अभी स्टूडेंट्स की सारी बात सुन रहा था और मैं इनकी एक एक बात से अग्री करता हूँ। बहुत ही दुखद घटना है और मैं इन स्टूडेंट्स को ये जिम्मेदारी से आश्वासन देना चाहता हूँ और इनको यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति
जो भी इंसान जिस जिस व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो टॉप से बॉटम तक कोई भी एक्स वाई जेड व्यक्ति हो, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, जो इसमें सम्मिलित पाया जाएगा, जिसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी, उसके ऊपर सख्त से सख्त यकीन देने से, सर माफ कीजिएगा सर, आपके यकीन देने से क्या होगा, बहुत यकीन के साथ ये तीन छात्र आए थे कि वो आईएएस बन जाएंगे, लेकिन आज क्या हुआ, उनका यकीन दम तोड़ गया सर, मेरे ठीक पीछे दम तोड़ गया, उनके परिवार सर, उनके दिल में क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, जांच करेंगे सर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तो एक उदाहरण है सर, न जाने कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में यही सब कुछ चल रहा है। देखिए बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, हम खुद इस बात को मानते हैं, और हमने टीम्स अपॉइंट की थी पिछले एक साल में, हम कितने ना जाने कितने इंस्टीट्यूट्स हैं अलग अलग जगहों पे सील कर चुके हैं, लेकिन हजारों ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ग्राउंड जो जिन्होंने बेसमेंट पे इलीगल तरीके से लाइब्रेरीज खोल रखी है, जिनको परमिशन मिली है स्टोरेज की, जिनको पार्किंग के लिए परमिशन मिली है, उसमें अंदर छुपा कर इन्होंने ऑफिस बनाए हैं या लाइब्रेरीज बनाई है, हम इनको आइडेंटिफाई लगातार करते आए हैं। बहुत दुखद है कि एक ऐसी घटना हो गई है हमारी इस कार्रवाई के बीच में, लेकिन हम ये कार्रवाई रोकने नहीं वाले, हम इस एक एक इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई करेंगे जिसने ये लॉस को तोड़ा है, हम एक 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 अधिकारी आइडेंटिफाई करेंगे ग्राउंड लेवल पे, किस किस की नजरअंदाजगी की वजह से ये घटना ऐसी हुई है, हम एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, मैं ये आपको 100% एश्योरिटी से आश्वासन दे रहा हूं। इसके ऊपर आप कह रहे हैं एक एक इंस्टीट्यूट का सर्वे किया जाएगा, कहां गड़बड़ी है, के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सारे इंस्टीट्यूट का सर्वे कराया जाए। सर पहली बात तो मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं रखना चाहूंगा, मैं बस इतनी बात रखना चाहूंगा आपके जरिए कि ये कोई आम शहर नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ ऐसी घटना हो रही है, छात्र आता है अपने मतलब माता पिता के सपने लेके हम कलेक्टर बनेंगे, हम आईपीएस बनेंगे, ये इंस्टीट्यूट वाले उन माता पिता को दिखावा दिखाते हैं, दिखावा बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपके बेटे को आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, आप अफसर मत बनाइए साहब, अफसर मत बनाइए, आप उन्हें कम से कम जिंदा वापस घर तो भेज दीजिए, अब इनकी मौत का कौन लेगा इनकी, ये कौन लेगा इनकी। एक स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ, द सिस्टम किल्ड देम बिफोर दे कुड बी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, इससे पहले कि वो सिस्टम का पार्ट बन जाते सिस्टम ने उसे मार दिया। ये देखिए कितनी बड़ी बात से पहली बार नहीं हुआ है, ये कैपिटल ऑफ द दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, और यहाँ पे ऐसे मर्डर हो रहा है, बहुत दुख लगता है सुन के, ये प्री प्लान मर्डर है, प्री प्लान मर्डर है, आप बोले प्री प्लान मर्डर कैसे, आप ये बताइए हमें, ये बताइए हमें, ये बताइए कोई एक बेसमेंट नहीं था नीचे, 26/3/2024 को 3 दिन पहले किशोर सिंह कुशवाहा राजेंद्र नगर में कंप्लेन किया था कि रॉ आइस बेसमेंट में विदाउट परमिशन के चल रहा है लाइब्रेरी, फिर भी कोई सुनवाई, कहाँ शिकायत हुई थी, सुबह ऑल राजेंद्र नगर थाने में हुई थी, ठीक है, उसके बाद कोई टीम नहीं आई, ना एमसीडी ना पुलिस वाले, कोई नहीं आए। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स, बीजेपी वाले आते हैं वो बोलते हैं आप कड़े की, आप वाले आते हैं बोलते हैं बीजेपी, अरे कोई भी आ रहा है एक दूसरे पर टोपी डाल, और कोई भी ठीक है, आप सिस्टम में है या नहीं, आप एमपी एमएलए है ना, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कॉल ऑफ एक्शन क्या है, कोई कुछ नहीं बता रहा, आप इसी अपना कॉल ऑफ एक्शन बताइए, कोई कुछ नहीं बता रहा, बीजेपी वाले आएंगे वो बोलेंगे आप कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कांग्रेस कर रहा है, ये तो पटेल नगर में हम रहते हैं, ठीक ना सर, वहाँ पे सिंगल एक स्टेयर से मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग बना रखी है, एक स्टेयर से कम 200-250 फ्लैट्स जुड़े हुए हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी बिल्डिंग में आग लगती है या कुछ अनहोनी होता है या भूकंप आता है, एक स्टेयर से कितने लोग एक बार में उतर पाएंगे सर, परमिशन पे परमिशन दिए जा रहे हैं सर, कंस्ट्रक्शन हुए जा रहा है। एक जो हैरान करने वाली बात इस घटना को लेकर आई है कि यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए एंट्री और एग्जिट थी, और सिर्फ एक ही गेट था, अब सबको मालूम है कि जब जलभराव हो तो वो सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम आपका बंद कर दिया जाता है, तो सोचिए क्या सिचुएशन रही होगी, आपकी एंट्री एग्जिट एक गेट से वो बंद, और जो छात्र अंदर फंसे थे कहाँ जाएंगे, सोच करके भी हर कोई शहर जाता है। जी जी अपनी बात सर, यस सर, क्या इस वक्त आप लोगों की डिमांड है जो आप यहाँ बैठे हैं, सही एमसीडी रिस्पॉन्सिबल ले और इंश्योर करे कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल ना हो, रिटर्न में रिकॉर्ड मिले कि ये चीज नेक्स्ट टाइम से ये चीज ना हो।